नमस्कार, मैं दीपक कुमार, दृश्यम, रॉकी हैंडसम, मदारी जैसी फिल्मों के निर्देशक निशिकांत कामत का आज निधन हो गया। उन्होंने हैदराबाद के प्राइवेट अस्पताल में आखिरी सांस ली। इस खबर की पुष्टि निशिकांत कामत के दोस्त रितेश देशमुख ने ट्वीट कर जानकारी दी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी दोस्त निशिकांत कामत, आपकी आत्मा को शांति मिले। 50 साल के कामत लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित थे। इसी के चलते उन्हें 31 जुलाई को हैदराबाद के गची बोवली स्थित AIG हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने पेट दर्द और पीलिया की शिकायत की थी। जांच के बाद उनमें क्रॉनिक लीवर डिजीज और कुछ और इन्फेक्शंस के बारे में पता चला था। 13 अगस्त को अस्पताल की ओर से जारी स्टेटमेंट में उन्हें खतरे से बाहर बताया गया था। हालांकि वो उस समय भी ICU में भर्ती थे। सोमवार को अस्पताल ने आधिकारिक बयान देकर उनकी निधन की खबर दी। हालांकि आपको बता दें कि निशिकांत कामत की मौत की अफवाह 4 घंटे पहले ही उड़ गई थी। निशिकांत कामत की मौत के बाद बॉलीवुड सेलेब्स ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दी। ऐसे ही बॉलीवुड लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए बॉली न्यूज़ हब देखते रहें। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।